हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गगन। आज हम बात करेंगे एक्टिवा 6G। 5G तो ख़त्म हो गई समझ लीजिए, अब नए जनरेशन के साथ 6G आ चुकी है। तो क्या नए चेंजेस है उसी के बारे में बात करूंगा, बाकी चीज़ें के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब चीज़ जानते हैं एक्टिवा के बारे में। सबसे बेस्ट सेलिंग स्कूटर है होंडा की। तो चलिए इसके डिटेल्स दे देता हूँ, क्या इसमें आपको नए चेंजेस मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लुक है फ्रेंड्स, और ये अब लेंथ बढ़ गई है इस गाड़ी की। तो इधर से पहला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ पर 12 इंच का व्हील मिल जाता है। टेलीस्कोपी फोक्स नहीं थे, वो आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, और जो टायर्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो सामने से अगर इधर की बात कर लेते हैं, तो इधर जो लुक है ये पहले से इंक्रीमेंट हो चुका है। पहले ये थोड़ा कम थे और लुक शार्प हो गई है। तो इधर से आप लुक को एक देख लीजिए। ये हम जो वेरिएंट है ये डीलक्स वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड और डीलक्स दो वेरिएंट है इस गाड़ी के, होंडा एक्टिवा के। तो ये डीलक्स है जिसमें आपको सामने यहाँ पर LED है, DC मिल जाता है लाइट के लिए। और जो अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड में, वहाँ आपको हैलोजन मिल जाएगा। तो इधर से व्यू देख लीजिए, टेलीस्कोपी फोक्स और बड़े टायर्स आपको मिलते हैं। और इधर आपका जो व्हील बेस है वो भी इंक्रीमेंट हो गया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और ये जो कलर है रेड कलर है, बहुत ही शानदार कलर दिख रहा है। इधर से मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जो इसका जो एग्जॉस्ट था वो बहुत बड़ा था, वो अब छोटा हो गया है। व्हील बेस भी बढ़ चुकी है, उसकी वजह से ये छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया है। और ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक का लगा हुआ आता था, मगर अब आपको यहाँ पर स्टील का है, जो कि बहुत अच्छा है, गिरने के बाद यानी कि टूटेगा नहीं। तो पीछे का आपको वही 10 इंची का टायर्स भी सेम वही साइज मिल जाएंगे आपको, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर एक्टिवा मेंशन किया हुआ है, 5G लिखा रहता था, 6G स्टिकरिंग है। और पीछे का शार्प लुक जो है कुछ डिफरेंट हो चुका है, यानी कि अब यहाँ से आपको पीछे से देखेंगे थोड़ा बल्कि फील आएगा गाड़ी में। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ फ्यूल टैंक आपको पीछे दे दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि सीट खोलो उतरो और उसमें फ्यूल टैंक के लिए फ्यूल डलवाना पड़ता, मगर अब ऐसा है कि आपको पीछे यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नंबर प्लेट लगा सकते हैं। इधर साइड से अगर बता दूँ तो X आपको दिया है, और ये एनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी यानी FI टेक्नोलॉजी हो चुकी है। उसके वजह से स्मूथ इंजन, स्मूथ टॉर्क और 10% एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है आपके फ्यूल में। अगर यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है GTBS 6 की, तो एक साइड में स्टिकरिंग लगी हुई है। और ये जो ग्रैब रेल अगर बोले जाए तो ये थोड़े डिफरेंट लुक है, यानी कि वाइड हो गए, थोड़े चौड़े हो गए हैं। और सीट की बात करें तो सीट सेम एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। और हम इधर से बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये है डीलक्स जिसके बारे में बता रहा हूँ। एनालॉग आपको मीटर्स मिल जाते हैं, फ्यूल के लिए मिल जाता है PGM FI फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, ये दिया गया है इसमें। और होंडो का लोगो दिया हुआ है, और माल फंक्शन का यहाँ पर इंजन माल फंक्शन का दे दिया गया है। मैं चालू करके दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार का है, ये चालू हो चुका है माल फंक्शन। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको यह इंडिकेट करेगा। इधर से अगर बात कर लें तो ये सब चीज़ें कुछ चेंज हुई है। जो हैंडल है ये भी कुछ अलग चेंज हो चुका है, ग्रिप भी बहुत अच्छी स्मूथ रबड़ हो गई है। साथ में हॉर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम और पास के लिए भी इसी में दिया है, इसी को आप दबाएंगे तो पास भी वर्क करेगा। इधर से अगर हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट इंजन ऑफ का फंक्शन नहीं था पहले, अब इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज़ एक नई ऐड हुई है यहाँ पर। और अगर हम नीचे यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये आपका ऑफ हो गया है, दबाएंगे तो आपका सीट, और ये ऊपर के लिए फ्यूल खोलने के लिए दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको नई ऐड हुई है 6G में। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा आपको, ज़रूर मेरे को बताइए। ये इसका बेहतरीन लुक गाड़ी का, मेरे को तो बहुत पसंद आई। जो चीज़ चेंजेस चाह रहा था टेलीस्कोपी फोक्स और फ्यूल का, वो चीज़ अपडेट हो चुका है, तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, डिटेल्स मैंने दे दिया है, जो चेंजेस आए थे वो भी मैंने आपको डिटेल्स दे दिया है। अगर प्राइस की हम बात करें तो 8000 से इंक्रीमेंट है। ये डीलक्स मॉडल है, इसका एक्स शोरूम प्राइस 66,500 है, और स्टैंडर्ड की बात करें तो 65,000 एक्स शोरूम प्राइस है। 8,000 रुपीज़ से इंक्रीमेंट हुआ है, मगर चीज़ें भी आपको मिल चुकी है। टेलीस्कोपिक फोक्स जो बहुत ज़रूरी था, व्हील बेस भी बढ़ गया है, तो बहुत ही बेस्ट हो गई है एक्टिवा 6G। आप ले सकते हैं, नियरेस्ट शोरूम में आ चुका है। और भी कोई इंक्वायरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।